टोनी स्टार्क और हॉवर्ड स्टार्क में से ज्यादा स्मार्ट कौन है? वेल, हम सब टोनी के अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं और एमसीयू में शायद ऐसा कोई कैरेक्टर है जो उससे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन क्या हॉवर्ड स्टार्क उससे भी ज्यादा स्मार्ट है? एमसीयू में सुपर सोल्जर सीरम को स्टीव रॉजर्स की बॉडी में एक्टिवेट करने वाली मशीन हॉवर्ड स्टार्क ने बनाई थी। और याद रखिए कि एमसीयू का हब भी कैप्टन अमेरिका वाले सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम से आता है। साथ ही हॉवर्ड कैप्टन को अब तक की सबसे बेस्ट शील्ड बनाने में मदद करने के लिए वाइब्रेनियम को भी सिंथेसाइज करता है और हॉवर्ड स्टार्क ये सब कुछ पुराने जमाने की बेसिक टेक्नोलॉजी के साथ करता है। और बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि स्टार्क इंडस्ट्रीज का ओरिजिनल आर्क रिएक्टर जिसने उनके सभी वेपन प्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स को पावर देने में मदद की है, हॉवर्ड और उसकी टीम ने बनाया है। मतलब ओरिजिनल आर्क रिएक्टर का इन्वेंशन टोनी ने नहीं, हॉवर्ड ने किया था। टोनी ने बस इसे छोटा और बेहतर बनाया। वहीं हॉवर्ड स्टार्क ने अपने टाइम के लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ ब्लूप्रिंट्स और क्लू छोड़े ताकि बाद में टोनी एक न्यू एलिमेंट को क्रिएट कर सके और ताकि वो और भी ज्यादा बेहतर पावर रिएक्टर्स गेन कर पाए। साथ ही हॉवर्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट में भी शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 के मुद्दों को भी उसने सॉल्व किया और स्टार्क इंडस्ट्रीज को भी क्रिएट किया। और उसका सबसे बड़ा इन्वेंशन था टोनी स्टार्क।